हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एचपी का एक्सटर्नल डीवीडी राइडर जो यूज होता है पीसी में कैसेट्स को रन करने के लिए। क्योंकि अब जो मॉडर्न सीपीयूज आ रहे हैं वो अब इंटरनल डीवीडी राइडर के साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए अगर हमें अपनी किसी भी डीवीडी या सीडी कैसेट को रन करना है तो हमें एक एक्सटर्नल डीवीडी राइडर की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अनबॉक्स करते हैं। ये डीवीडी राइडर मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से, जो मुझे 1499 रुपये का पड़ा है। इस डीवीडी राइडर के साथ हमें एक डीवीडी राइडर और एक केबल और एक वारंटी कार्ड और प्रोडक्ट नोटिस मिलता है। जब हम इसे बॉक्स में से निकालते हैं तो हमें सिर्फ इसमें एक केबल और एक डीवीडी राइडर शो होता है बस, और एक वारंटी कार्ड है जो इसमें बॉक्स में रखा हुआ है। ये फुल ऑफ प्लास्टिक से बना हुआ है जो काफ़ी चीप लगता है देखने में। ये इसका बिल है जो मुझे 1499 रुपये का पड़ा है ये फ्लिपकार्ट पे। चलिए मैं अब इसे अपने कंप्यूटर में लगा के आपको चला के दिखाता हूँ कि इसमें कैसेट्स कैसे चलती है और कैसी स्पीड देती है और कैसे रन होती है। ये एक यूएसबी टाइप केबल की तरह दी होती है, इसमें एक केबल यूएसबी टाइप केबल की तरह दी हुई है जो पीसी में यूएसबी आराम से कनेक्ट हो जाती है। वहीं पे पास में एक बटन दिया हुआ है जिसे हम प्रेस करते हैं और ये फिर ये डीवीडी बाहर आ जाती है, उसमें इजीली कैसेट लगा के हम इसे रन कर सकते हैं। देखिए मेरे कंप्यूटर में ये सोने लगी, यानी ये डीवीडी ठीक से रन कर रही है। देखो ये कैसेट चल गई।